सारे सेल पे जो हम फॉर्मूला अप्लाई ना करके एक सेल पे जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे उसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम एरे फॉर्मूला। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं एरे फॉर्मूला का, उस क्वेश्चंस को हम देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चंस है हमारे पास, एक डेटा है इसमें से मुझे सैटरडे एंड संडे को काउंट करना है कि इस महीने में कितने सैटरडे और कितने संडे है इस पर्टिकुलर डे के अंदर। ठीक है, तो इसके लिए एक्सेल में कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन 2013 में आप उसके लिए networkday.intl का इस्तेमाल आप कर सकते हो, लेकिन वो फॉर्मूला सिर्फ 2013 ऑनवर्ड है, उससे लोअर वर्जन में नहीं है। ठीक है, 2013 में कौन सा इस्तेमाल करते सर बोले? networkday.intl हाँ, नेटवर्क देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे बात करते हैं कि हम यहाँ पे नंबर ऑफ डेज सैटरडे कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए यहाँ लगाएंगे हम सम इफ टेक्स्ट, और टेक्स्ट में इसको हम प्लस करेंगे रो, और डायनेमिक करने के लिए हम &% that minus that, और फिर माइनस वन, सॉरी ए नहीं लेगा कॉन्करेंट इसमें, तो हमें इनडायरेक्ट का फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। इनडायरेक्ट का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और फिर इसमें देंगे डी 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 इक्वल टू सैटरडे, ऐसा हुआ तो ये पूरा फॉर्मूला को दोबारा हम रिपीट कर देंगे। अब हम आते हैं कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर, नहीं, ये गलत हो गया, यहां पे हमें वन करना चाहिए था, सैटरडे हो तो वन, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, अब आया फाइव, सही रिजल्ट। तो हमने क्या किया आपके सामने, आपके साथ देख रहे हैं कि हमने इसका कैसे यूज किया। और ऐसे संडे काउंट करने के लिए आप इक्वल टू यहां संडे कर देंगे तो आपका संडे काउंट हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि मुझे दो डेट के बीच में पता करना है कि कौन सा सैटरडे है कौन सा संडे है। मुझे पता करना है कि सेकेंड डेट ऑफ सैटरडे क्या है इस दो डेट, इस डेट के पीरियड में, तो इसके लिए हम लगाएंगे फॉर्मूला स्मॉल का, स्मॉल उसके बाद देंगे इफ, देंगे टेक्स्ट, और इसको सिलेक्ट करेंगे एंड प्लस रो, रो के अंदर में इनडायरेक्ट, और इनडायरेक्ट में हम वन के साथ कंबाइन करेंगे इसको,
और हम इसमें से माइनस कर देंगे नंबर ऑफ डेज और फिर इसमें हम प्लस वन अगेन करेंगे रो के लिए और फिर डीडीडी माने की कर देंगे डीडीडी ताकि पता चले कि सैटरडे है या नहीं है एंड कंडीशन लगाएंगे कि सैटरडे होना चाहिए। उसके बाद रिटर्न क्या करेगा तो रिटर्न करेगा आपका डेट, इसको कॉपी करके वापस हम डेट के रिटर्न करवा लेते हैं। यहां पे इफ क्लोज करते हैं, इफ क्लोज किया हमने एंड कॉमा सेकेंड में टू डाला और एंटर। कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट एंटर। यहां पे गड़बड़ हो गया, गड़बड़ क्यों है ये 15 क्यों आ रहा है। हाँ 15 आ रहा है क्योंकि हम यहाँ पे A3 प्लस करना चाहिए था इसलिए आ रहा है A3 प्लस कंट्रोल शिफ्ट A3 प्लस कंट्रोल शिफ्ट एंटर। अब ये फॉर्मूला वर्क कैसे कर रहा है वो समझने के लिए आप फॉर्मूला एवलेट पे जाए आपको पता चलेगा फॉर्मूला कैसे वर्क कर रहा है। सबसे पहले इसने A3 का डेट लिया 42-64 से, उसके बाद रो ने इसे इनडायरेक्ट ने क्या किया सबसे पहले इसको माइनस करके डिफरेंस निकाला कि आखिर नंबर ऑफ डेज कितने हैं और यहां पे इसे 129 दिया एज ए रेफरेंस फॉर्मेट में किसको रो को एंड रो ने क्या किया टू किया पूरा 1 से लेके 29 तक और फिर इसमें इसने एक प्लस कर दिया ताकि 30 हो जाए 29 तो करें 30 ही होगा और फिर इसमें हमने प्लस कर दिया प्लस करने पे पूरा डेट आ गया टेक्स्ट को पूरा डेट मिल गया और टेक्स्ट क्या कर रहा है इस डेट को कन्वर्ट कर रहा है डे में सैटरडे संडे मंडे इसमें तो इफ को क्या मिला संडे मंडे मिला तो इफ क्या करेगा चेक करेगा कि कौन कौन सैटरडे है जहां जहां सैटरडे होगा वहां वहां ट्रू कर देगा जहां जहां सैटरडे नहीं होगा वहां वहां फॉल्स करेगा। अब अगेन जो इससे चला था रो वाले कैलकुलेशन वो दोबारा चलेगा दोबारा चल के वो डेट में टूटेगा डेट में यहां टूट गया फिर जहां जहां ट्रू है वहां वहां डेट मिल जाएगा तो इसको इस वहां वहां आपका डेट आ गया। देखिए जहां डेट नहीं था वहां डीडीडी लिखा आ गया जहां डेट है वहां पे लिखा आ गया डेट लिखा हुआ। अब स्मॉल क्या करता है कि वो नीचे से दूसरा माने कि मैक्सिमम जो भी नंबर दोगे इसे मैक्सिमम क्या हुआ मिनिमम क्या हमारा पहला एंड ये दूसरा तो ये आपका दूसरा शो कर दिया दूसरा आ गया। इसमें अगर लास्ट सैटरडे डेट निकालनी हो आपको तो स्मॉल की जगह पे आप लार्ज लगा दीजिए तो लार्ज आपको लास्ट सैटरडे का डेट शो कर देगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3 क्वेश्चन नंबर हमारा ये है कि कोई प्रोजेक्ट हम 20 तारीख को स्टार्ट करते हैं 14 बजे मतलब कि शाम के 14 बजे मतलब कि 2 बजे और 25 तारीख को हम 3 बजे प्रोजेक्ट को हैंडओवर कर देते हैं। मेरी शिफ्ट जो है 9 से 18 बजे 9 से 6 की शिफ्ट है मैं डेली 9 घंटा काम करता हूं मंडे टू फ्राइडे तो एग्जैक्ट बताइए कि इस प्रोजेक्ट पे हमने कितना दिन खर्च किया। तो इसको इस तरह समझिए कि सबसे पहले तो हमें नेटवर्क डेज का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा स्टार्ट डेट एंड डेट यानी कोई हॉलीडे है उसका लिस्ट डाल दीजिए तो हमने इतना दिन खर्च किया 5 दिन हमारा खर्च हुआ। अब 5 × 9 आवर्स 9 घंटे हमने तो पूरा खर्च किया इसमें। अब बात आती है कि हम पहले दिन 15 दूसरे दिन 14 काम किया है मतलब किया है तो हम क्या करेंगे कि 15 में से 14 को माइनस कर देंगे तो 1 घंटा बचेगा तो इसमें हम इसको प्लस कर देंगे। आप बोलेंगे सर ये 46 घंटा दिख रहा है आपको 46 घंटा कैसे आया क्योंकि ये दिख रहा है जनरल फॉर्मेट में मतलब कि जनरल टाइम फॉर्मेट में है तो अगर आप इस तरह के बड़े टाइम फॉर्मेट लेना चाहते हैं तो इस पे आप नंबर फॉर्मेटिंग पे जाके जो 37-30 का जो टाइम फॉर्मेट होता है उसको अप्लाई करें।
अब ये मैंने मैनुअल फॉर्म में बताया, अब इसको एज अ फॉर्मेट में भी क्रिएट कर सकते हो, एक जगह कंबाइन भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब चौथा क्वेश्चन है कि हमारे पास जो डिजिट है 1495236 ऐसे डिजिट लिखे हुए हैं, इन डिजिट को आपस में सम करना है, से 1+4+5+2+3+9 इस तरीके से। तो कैसे करें, तो उसके लिए हम लगाएंगे फॉर्मूला सम का, सम उसके बाद देंगे मिड, क्योंकि हमें एक एक डिजिट को अलग करना होगा, मिड इसको सिलेक्ट किया कॉमा। अब स्टार्ट नंबर में हमें देना है इस तरह से कर्ली ब्रैकेट में 1, 2, 3 इस तरह से, लेकिन जितना नंबर ऑफ डिजिट होगा उसके अकॉर्डिंग। अब डिजिट घटते बढ़ते भी रह सकते हैं, तो उस केस में हमें यहाँ पे रो वाला कंसेप्ट देना सही रहेगा, कि रो वाला कंसेप्ट हम दे दें रो और इनडायरेक्ट को मिला के। इनडायरेक्ट और हमने यहां पे वन सेमी कॉलन और इसके साथ इसका ले लिया। और कमा वन, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि जब मिड फॉर्मूला रिटर्न करेगा वो रिटर्न करेगा इन द टेक्स्ट फॉर्मेट, और सम टैक्स को सम नहीं करेगा। ठीक है, इसके लिए हम कंट्रोल सिर्फ इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पे मल्टीप्लाई बाय वन करेंगे एंड कंट्रोल शिफ्ट एंटर करेंगे, तो आपका 33 आ गया। अब नंबर घटेगा बढ़ेगा तो ये अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, यस सर। तीनों हो गया, पांचवा क्वेश्चन छोड़ दीजिए, छठा क्वेश्चन पे चलते हैं। अब छठा क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको ध्यान दीजिएगा। छठा क्वेश्चन ये है कि जो आपका नंबर दिख रहा है ना, इस तरह का जो नंबर है, इसमें से सिर्फ नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, बाकी को सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ नंबर, मतलब कि एस 1, 2, 3, DF हमने लिखा, इसमें से 5, 2, 3 ही मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, कैसे करें। तो चलिए इसके सबसे पहले मैनुअल कंसेप्ट को समझते हैं, इसका मैनुअल कंसेप्ट क्या है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ मिड का फॉर्मूला लगाएंगे, ताकि सारे के सारे जो है मिड जो है सारे के सारे अलग हो जाए एक एक लेटर में। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 F2 कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ये सारा अलग। उसके बाद हम इस पे मल्टीप्लाई बाय वन करेंगे, मल्टीप्लाई वन करने से क्या होगा कि नंबर आ जाएगा और आपका टेक्स्ट एरर हो जाएगा। अब कौन सा एरर है, कौन सा नंबर है, कैसे पता चलेगा, उसके लिए हम इज एरर फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो इज एरर फॉर्मूला एरर को ट्रू देगा एंड नंबर को फॉल्स देगा। ठीक है, फिर हमारे पास मैच का फॉर्मूला है, मैच के फॉर्मूले में हम देखेंगे कि फॉल्स जो है वो फॉल्स कहां पर है, कॉमा जीरो, तो फॉल्स 3 है। और फिर हम यहां पे काउंट इफ का फॉर्मूला लगा लेंगे और काउंट इफ से बताएंगे कि फॉल्स कितने, 3। तो और फाइनली हम मिड का फॉर्मूला लगाएंगे कि मिड इसमें से जाओ तीसरे नंबर से 3 करेक्टर ले लो, तो ये 3 नंबर्स आपको अलग कर देगा। ठीक है, तो अब इसको एरो फॉर्मेट में, तब दो इसका दो पार्ट है, एक ये आपका एक काउंट के नंबर ऑफ डिजिट है कितने जो कि नंबर है, और दूसरा कि नंबर स्टार्टिंग से कहां है।
तो उसके लिए मैच, सबसे पहले मैच पे चलते हैं, मैच के लिए एरो लगाते हैं कि मैच लुकअप क्या करना है, लुकअप करना है फॉल्स को किसके अंदर में, अब यही एक सवाल है। तो इसके लिए देखिए इज एरर, इज ब्लैंक हो गया, इज एरर, इज एरर में हम देंगे मिड, मिड में हम देंगे टेक्स्ट और फिर देंगे रो, रो के अंदर देंगे इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट में देंगे वन के वन सेमी कॉलन एंड परसेंट और लेन, इसकी कंप्लीट लेंथ और फिर इनडायरेक्ट को हम क्लोज करेंगे एंड रो को क्लोज करेंगे एंड कॉमा वन एंड मल्टीप्लाई बाय वन और फिर हम करेंगे कॉमा जीरो। कंट्रोल सिर्फ एंटर करने से आपका ये थ्री आ गया। अब सम इफ, अब प्रॉब्लम है कि सम इफ नहीं कर सकते इसमें हम, सम इफ जो है हम नहीं कर सकते क्योंकि सम इफ एरो को डायरेक्ट एरे को सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए सम इफ देना यहां पे ठीक नहीं होगा। तो इसके लिए क्या देंगे, इसके लिए देंगे हम फॉर्मूला इक्वल टू सम का, सम इफ को अलग कर देंगे, सम इफ इक्वल टू फॉल्स तो यहां पे वन शो करेगा एंड कंट्रोल शिफ्ट एंटर, थ्री आ गया। हमने क्या बोला कि इच एरर का रिजल्ट जहां जहां फॉल्स है, जितना फॉल्स है उतना वन देके हमें सम करके बता दिया, इसने उतना वन देके सम करके हमें सर। अगर इसमें अगर ये डीएफ के बाद अलग अलग नंबर है क्या? हेलो बोलिए। अब इसमें आप नंबर है सर 523 है, लेकिन उसके बाद कोई अल्फाबेट है कि फिर नंबर को भी कैच करेगा? नहीं, इसमें यह होगा कि जैसे आपने कोई भी नंबर दे दिया, जैसे आपने दिया 123 डीएफ इस तरह से दे दिया तो हो जाएगा। मतलब ऐसा बोल दिया कि आपने F कर दिया, 1, 2 कर दिया, फिर H करके 8 कर दिया, तो A फिर वर्क नहीं करेगा, ठीक है ना। फिर उसके लिए दूसरा मेथड है, इसलिए बता दें कंटिन्यूअस नंबर होना चाहिए, ये इसके लिए इस्तेमाल किया गया ना। मान लीजिए कि कैसा टेक्स्ट है, टेक्स्ट के साथ मतलब कि नंबर दे दिया गया है, उस नंबर को अलग करना है, उसका सीक्वेंस पता नहीं चलता है, कभी फर्स्ट में है, कभी बीच में है, कभी लास्ट में है, तो उस केस में इस मेथड को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब सातवां क्वेश्चन है, सातवां आठवां क्वेश्चन जो है आप बनाइए, नौवां क्वेश्चन में कैलेंडर बनाना है आप बनाइए आपको, बाकी जो है आप सातवां आठवां नौवां ग्यारहवां क्वेश्चंस आपको बनाने हैं, ठीक है। फाइल में आप लोगों को भेज देता हूं, आप लोग बनाइए और भेजिए, जिससे पता चलेगा कि एरे क्या है। फिर भी मुझे लगा कि हाँ एरे और सिखाना आपको तो और सिखाएंगे, अदरवाइज हम आगे क्लास को बढ़ाएंगे। मैं आप लोगों को सर फाइल मेल कर देता हूँ और आज की रिकॉर्डिंग।